एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को अंगरखा फ्रॉक का डिज़ाइन। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए टिकटॉक पर, इंस्टा पर एंड यूट्यूब पर कि प्लीज़ हमें अंगरखा फ्रॉक बनाना सिखा दे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्यूटोरियल अंगरखा फ्रॉक की। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो तरह की लेसेस का इस्तेमाल किया है, आप ये देख सकते हैं। आप चाहें तो एक लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने टू का यूज़ किया है। और चलें अब हम फ्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। ये मैं फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट कट कर रही हूँ जिसके ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे। ये इसकी मेजरमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी आपको फ्लेयर चाहिए आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। वैसे तो मैंने 30 इंचेस लिया और इसकी चौड़ाई मैंने 30 इंचेस ली क्योंकि मुझे ज़्यादा प्लेट्स चाहिए थे और मैंने इसकी जो लंबाई है वो मैंने फ्रॉक के मुताबिक ही ली है, तकरीबन 12 इंचेस आई थिंक। और उसके बाद ये मैं बॉडी कट करूँगी, इसकी जो लंबाई है वो मुझे 7 इंचेस चाहिए थी और चौड़ाई जो है वो मुझे इसकी 13 इंचेस चाहिए थी। तो ये इस तरह से मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली और अब मैं इसको कट कर लूँगी। नेक की डेप्थ जो है वो मैं 2 इंचेस रखूँगी और बैक की 1 इंचेस रखूँगी और उसकी चौड़ाई जो है वो भी मैं 2 इंचेस रखूँगी। शोल्डर जो है 3 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड नीचे से जो आर्म होल है वो मैं 4 पे मार्क करूँगी और चेस्ट जो है वो मैं 12 रखूँगी तो 6 पे मार्क करूँगी। और कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितनी भी हमने चेस्ट की फिटिंग रखनी है उस हिसाब से वहाँ पे हम कट लगा लेंगे और मिड में मार्क करना मत भूलें, वहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता हो ये इसका सेंटर पार्ट है। अब जो फ्रंट था उसको हम थोड़ा सा और डीप कर लेंगे, यानी कि बैक हमने अंगरखा में वी कट बनाना होता है, लेकिन ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं उसी तरह से बॉडी कट कर रही हूँ जैसे हम दूसरी फ्रॉक्स की कटिंग करते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया, इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख लिया। आप ये देख सकते हैं ये नीचे से थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि इसका कट किस तरह से है। इसको यूं हम फोल्ड कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और नीचे वाले पार्ट के मुताबिक हम जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने का एक और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है बिगनर्स के लिए ताकि उनको कोई भी मुश्किल ना हो। ऐसे लोग जो जिन्होंने नई नई सिलाई स्टार्ट की है तो उनको समझ नहीं आती कि हम इसको किस तरह से कटिंग करें, तो ये मैंने उन लोगों के लिए ये तरीका निकाला है। ये बहुत ही आसान तरीका है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम दूसरे हिस्से की कटिंग भी कुछ इस तरह से यूं कर लेंगे, ये बिल्कुल तिरछा हम एंड तक लेके जाएंगे ऐसे सेम। और अब हम इसको ये देखें, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कितनी परफेक्ट आएगी। और यहाँ से जो हमें गुलाई में नज़र आ रहा है इसको भी हम प्रॉपर वी कट में शेप दे लेंगे इस तरह से। जो अंगरखा का कट होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड को होता है, तो अब हम इस तरह इसको रख लेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इस तरह से हमने इसकी फ्रंट बॉडी कट कर ली है। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे लेसेस को अटैच करके, साथ में इसके नेक भी बन जाएगा और साथ में हमारी बॉडी भी रेडी हो जाएगी। अब लेस लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आयरन की मदद से भी आप कर सकते हैं, अगर आप मास्टर हैं तो आप फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह हम लेस को ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरह से अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे क्योंकि वो हमें दूसरे पार्ट पर भी अटैच करनी है इस तरह से। पहले हम नीचे वाला पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाला हिस्सा तैयार करेंगे। जस्ट ये मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि ये इस तरह से तैयार होगा। चलें हम पहले नीचे वाली लेस को अटैच कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके साथ जो दूसरी मेरी लेस थी मैं उसको भी अटैच कर लूँगी। ये देखें ये कुछ इसके ऊपर रख कर ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब मैं दूसरी लेस को भी इसके नीचे रख कर अटैच कर लूँगी
आप ज़रूरी नहीं कि आप फुल अटैच करें, मैं इसको हाफ पे ही अटैच करूँगी। कुछ इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको हाफ अटैच किया है। अब हमारी एक साइड रेडी है, अब हम दूसरी साइड को बाद में रेडी करेंगे। जो हमने नीचे वाला पार्ट फ्रॉक का काटा था, अब हम उस पर प्लेट्स डाल लेंगे कुछ इस तरह से। हाँ, ये प्लेट्स डालने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट पर भी अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और हम बैक साइड के हिस्से पर भी प्लेट्स वाले पार्ट को यूँ अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमने प्लेट्स फुल डाले हैं ताकि हमारा फ्लेयर अच्छा खासा बन जाए। अब हम ये जो हमारा हिस्सा रह गया था उसको प्रिपेयर करेंगे। आप प्रेस की मदद से यूँ फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम एक साइड से 2 इंचेस छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से हम 8 इंचेस रखेंगे, 8.5 एंड 2.5, ढाई और 8.5। अब हम क्या करेंगे, लेस को अटैच कर लेंगे। जो हमारा हिस्सा बाकी रह गया था, मेन पार्ट यही है। इस तरह से हम लेस को रख कर फिर नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। ये मैंने आयरन की मदद से एक स्ट्रेट कट बना लिया ताकि मुझे अंदाज़ा हो के हमें अपनी लेस को यूँ नीचे स्ट्रेट लेकर जाना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम हाफ़ अटैच करेंगे, क्योंकि हमें ये ऊपर वाला पार्ट अटैच नहीं करना। ये देख सकते हैं, मैंने ये लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसको यूँ स्ट्रेट सीधा लेके जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। हाँ जी, और अब इसके साथ मैं दूसरी लेस को भी नीचे अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो एक लेस की मदद से भी बना सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए थी क्योंकि मेरा सिंपल कपड़ा था। अगर प्रिंटेड हो तो आप एक ही लेस का यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे 2 का यूज़ करना था। इस तरह से रख कर मैं नीचे तक लेस लगा लूँगी इस तरह से। ये लेस को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है, बिल्कुल नीट और बिल्कुल बहुत ही अच्छा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हम बैक साइड को लेंगे और हम बैक नेक बना लेंगे। एक हमने तिरछी पट्टी काट ली, मैंने उसको बैक नेक पे हम जोड़ लूँगी, अटैच कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसको अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कंधे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ओपन करती हूँ, ये देखें, ये हमारा नेक भी बैक रेडी है। और आप चाहें तो ये जो हिस्सा हमारा खुला है इस पर टिच बटन लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह फिर आपकी बच्ची को पहनने में गला तंग करेगा। तो मैंने ये खुला ही छोड़ दिया और मैं यहाँ पर टिच बटन अटैच कर लूँगी। इस तरह से हम स्लीव अटैच कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी ऊपर चुनटे डालूँगी और दोनों स्लीव में कुछ इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए। थोड़ी थोड़ी सी मैंने ऊपर पफी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चुनटे डाली। फ्रॉक की साइड्स को स्टिच कर लूँगी यहाँ से भी, और हम इस तरह से भी स्टिच कर लेंगे। और ये ऑफ वाइट कलर की लेस को मैं बॉटम में भी अटैच कर लूँगी घेरे पे। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। आप इसको घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। अगर आपको कुछ और डिज़ाइंस देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपकी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करूँगी। ये डिज़ाइन जो थे, ये समर स्पेशल भी है और विंटर स्पेशल भी है। ये मैंने लॉन और कॉटन के फैब्रिक यूज़ किया। आप चाहें तो जिस मर्ज़ी फैब्रिक पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डोरी अटैच नहीं की। आप चाहें तो इसके कॉर्नर पर डोरी भी अटैच कर सकते हैं। ये बहुत छोटी बच्ची की फ्रॉक थी, तो बच्चे अक्सर जो टेसल्स वगैरह होते हैं उनको टिकने नहीं देते, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाए। तो आप चाहें तो, अगर थोड़ी सी बड़ी बच्ची की बना रहे हैं तो चाहें तो अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पर टेसल या डोरी अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टिच बटन अटैच कर लूँगी।
क्योंकि फिर अब गला छोटा होने की वजह से बच्चे का सर नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं टिच बटन अटैच कर लूँगी। ये लुक देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।